मैं डॉक्टर नितिका आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। हम तो क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बिना नहीं रह सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पानी की। पानी एक इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा जो खुद का शरीर है वो भी 70% पानी से बना है। बट पानी का हमें सही उपयोग करना है, हमें सही कंज्यूम करना है और पानी को हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अल्कलाइन वाटर की। अल्कलाइन वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा अल्कलाइन वाटर क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले अल्कलाइन वाटर हमने बनाना कैसे है। अगर आपके घर पे कोई एक लीटर का जार है, या तो वो स्टील का होना चाहिए या फिर वो कांच का होना चाहिए, तो इन दोनों में से आप कोई भी जार लेंगे, उसमें आप सबसे पहले हल्दी और अदरक डालेंगे। हल्दी आपने जितनी आपकी लिटिल फिंगर होती है, मतलब यानी कि आपने इतनी सी हल्दी डालनी है, उसका छिलका उतार के। खीरा आप डालेंगे, खीरे के आप दो पीस कट करके, दो स्लाइस कट करके डाल लीजिए। लेमन को आप आधा कट करके डाल लीजिए। थोड़े से धनिया, पुदीना और तुलसी के पत्ते आप डाल लीजिए। और अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है आंवला, तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। तो इसको आपने कम से कम 4 से 5 घंटे डाल के उस कंटेनर में रखना है और उसके बाद आपने इसको पीना है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। आपने डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड तो सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमने टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं। तो जी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अल्कलाइन वाटर लेना है। टॉक्सिन जो वर्ड होता है, हम अगर हम बात करें, जब भी हम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में रह जाता है, तो वो टॉक्सिन बन जाता है। जब टॉक्सिन बहुत सारे बन जाते हैं, तो वो किसी ना किसी ऑर्गन को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे डिजीज बनाते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चले, तो उसमें एक श्लोक है कि सर्वेक्षणाम रोगाणाम निदानम कुपितम मला। इसका मतलब है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बन जाए, तो आपकी बॉडी में बीमारियाँ बननी शुरू हो जाती है। तो इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आपको अल्कलाइन वाटर का सेवन करना है। अल्कलाइन वाटर लेना कैसे है, जब भी आप इस पानी को लें, या तो आप सुबह सुबह इसको खाली पेट लें और अपने पूरे दिन की चर्या में, पूरा दिन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल रहता है, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। अपने साथ एक बॉटल कैरी कर लीजिए, अगर आप ऑफिस वर्किंग है, या आप स्कूल गोइंग है, या आप कॉलेज गोइंग है इनफैक्ट, तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो आपने लेना कैसे, इसको सिप सिप करके लेना है, एक घूंट लेके थोड़ा सा मुंह में घुमा के फिर आपने इसको अंदर लेना है। तो कभी भी किसी भी पानी का जब आप सेवन करते हैं, तो उसको इकट्ठा ना लें, उसको हमेशा अपने प्रॉपरली सलाइवा के साथ मिक्स करके फिर लें। तो ये थे कुछ अल्कलाइन वाटर के गुण, और आगे भी अगर आप ऐसी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।